अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। आई एम अ होम बेकर एंड यू आर वाचिंग बेक मी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक हेल्दी स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी, विच इज़ अ योगर्ट बार्क। इट इज़ वेरी हेल्दी एंड यू कैन टेक इट व्हेन एवर यू क्रेव फॉर एनी स्नैक विच इज़ अनहेल्दी एंड इफ़ यू आर ऑन डाइट, सो यू कैन टेक दिस वन। और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्रीक योगर्ट यूज़ किया है। आप कोई भी योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो थिक कंसिस्टेंसी का हो और क्रीमी हो और थोड़ा सा नेचुरली मीठा हो। अदर क्योंकि हम हेल्दी स्नैक रेडी कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी शुगर या कोई भी जो इंस्टेंट स्वीट होता है वो हमने यूज़ नहीं करना। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें कोका पाउडर, थोड़ी सी पीनट बटर और जो हनी है वो यूज़ किया था। और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने बेकिंग ट्रे को लाइन किया था बेकिंग पेपर से, और जो योगर्ट हमने रेडी की थी उसकी एक थिक लेयर फोर साइड्स में इस ट्रे की स्प्रेड कर देना है इवनली और इक्वली। नेक्स्ट मैंने हनी एंड पीनट बटर थोड़ा सा और ऐड किया था फॉर मोर फ्लेवर। गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स यूज़ किए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था और इस बार को कवर कर दिया था पूरा फ्रूट्स एंड नट्स के साथ। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट के लिए मैंने बनाना का यूज़ किया था, उसको मैंने चॉप कर लिया था। आप इसमें फ्रोज़न फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है, एप्पल यूज़ कर सकते हैं, ब्लूबेरी, रसबेरीज़, मैंगो, स्ट्रॉबेरीज़, ये यूज़ कर सकते हैं आप। नाउ इट्स रेडी। अब इसको 4 to 5 hours के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि एक प्रॉपर सॉलिड टेक्सचर में चेंज हो जाए। और आफ्टर 4 to 5 hours इसको रफली कट कर लेना है, बेशक वो आप नाइफ के साथ करो या विद हैंड्स। सो या हेल्दी स्नैक ऑफ योगर्ट बार्क इज़ रेडी। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी, इट्स रियली अमेजिंग and fulfill your cravings. So yeah, done for today. See you next time with another video and interesting recipe. Make sure that you subscribe my channel, like it, share it with your friends and family, and give me your feedback in comment box. So yeah, Allah Hafiz, take care.